खाली डॉगी डॉगी है। शनिवार के दिन मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी, जैसे कि मैं हमेशा शनिवार को ही करती हूँ। मैंने 4-5 दिन पहले आपको बताया था कि मेरे हील में ज़रा दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा कि जिस दिन थोड़ा कम रहेगा या रिलैक्स फील होगा बस उस दिन मैं क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि 15 दिन में एक बार डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो मंगलवार का दिन था और सुबह ही मैंने धूल झाड़ू उठा लिया क्लीनिंग करने के लिए। अब इस झाड़ू की कहानी भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकालकर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो बस बात कर रही हूँ मंगलवार सुबह की। तो ये झाड़ू मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मैं आपको क्या बताऊँ कि ऐड देखने के बाद तो मतलब मैं फ़ैन हो गई इसकी, कि मुझे बार बार टूल पर और सीढ़ी पर चढ़ के करना पड़ता है साफ़ सफाई, पंखा पोंछना, लाइट पोंछना, फॉल सीलिंग के जो ये फांक वाले हिस्से हैं इसको मुझे क्लीनिंग करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो बार बार चढ़ना नहीं पड़ेगा, नीचे से ही खड़े खड़े साफ़ हो जाएगा, जैसा कि ऐड में दिखा रहे थे। मगर मुझे ये नहीं पता था कि कितना ज़्यादा गंदा वाला और कितना ज़्यादा बकवास झाड़ू ये आएगा। ये क्या है पता है, ये धूल झाड़ू है जिससे जाला वगैरह साफ़ करते हैं, जो कि 40-50 रुपये में वो लकड़ी वाला आ जाता है, बस इसका स्टील का पकड़ने वाला है रॉड। सो ये पैसे ले लिए हैं और ऐड में सब गलत गलत दिखाया है कि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है क्लीनिंग के लिए। मैं तो आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपना पैसा खर्चा करके इसको मंगाएं, बहुत बेकार है, मैं तो पछता रही हूँ मंगा के। इसको मंगाने के बाद भी लास्ट में मैं समझ गई कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर मैंने टूल सीढ़ी पर चढ़ चढ़ के ही पूरा क्लीनिंग किया है, और इतना जो आंधी तूफान के साथ आजकल बारिश हो रही है तो ये वॉशिंग मशीन के नीचे इतनी धूल मिट्टी हो गई थी, सो सरका के वो भी क्लीन किया। फिर क्या, फिर लग गई फुल ऑन अपने काम में, और इतनी जैसे डीप क्लीनिंग करने में मतलब पूरा पसीने से नाइटी ऐसे भीग जाती है मेरी कि उसको निचोड़ा जा सकता है, इतना ज़्यादा मतलब मुझे पसीना आने लगता है फिर। और फिर पंखा वगैरह बंद करके पूरी क्लीनिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो जो धूल वूल गिर रही है तो फिर वो भी ओढ़ ओढ़ के फिर पलंग के नीचे, सोफे के नीचे और ऐसे चली जाती है। तो फिर सारा जो साफ़ सफाई है वो ये बंद करके ही पंखा किया जाता है। तो ये वाइट वाले जो झाड़ है ना हॉल में लगे हुए हैं, ये नीचे से देखने से इतना समझ में नहीं आता है कि भाई गंदे हो गए हैं। जब मैं ऊपर चढ़ के इसको क्लीन कर रही थी तो एक पूरी धूल की लेयर इसमें पूरी जमी हुई थी, क्योंकि 15-15 दिन में मैं करती हूँ साफ़ सफाई। अब हर वीक तो इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग पॉसिबल भी नहीं है, और 15 दिन में ठीक है, महीने में 2 बार अगर इस तरीके से डीप क्लीनिंग हो जाए तो घर में साफ़ सफाई बनी रहती है। तो जाली है और ग्रिल है, एवरीथिंग सब कुछ मैंने साफ़ किया है, और ये वाला जो रूम बंद है बस इसमें आंचल और एस्ट्रो सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि वो उठेगी तो ये वाला रूम आंचल कर लेगी। तो फिर उठने के बाद में हाउस हेल्पर के आने से पहले उसने वो वाला रूम पूरा डीप क्लीनिंग कर लिया था, पंखा वगैरह सब कुछ पोंछना। अब ये देखिए, ये जो मैं बेंड करके फॉल सीलिंग की जो फांक है इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, ये हो तो रहा है मगर रो रो के, मतलब सही से नहीं, कंफर्टेबल नहीं, ये मतलब हिल रहा है, फिर इसका ये जो रॉड है ये निकल जा रहा है, फंस जा रहा है और नाच रहा है खुद ही इसका जो वो साफ़ करने वाला है, तो मतलब एकदम बेकार है। एट लास्ट तो मुझे सब कुछ टूल वगैरह पे चढ़ के ही करना पड़ा है। और यहाँ फिर सारी साफ़ सफाई हो ही गई थी, फिर मैंने यहाँ पर वॉशरूम का जो ये एग्जॉस्ट है तो ये भी 1 सप्ताह के अंदर ही हो जाता है, एक लेयर सी आ जाती है जो पंखुड़ी है उसमें, तो इसको मैं कर लेती हूँ, इसको तो मैं सप्ताह सप्ताह में ही साफ़ कर लेती हूँ।
बस ये पूरी क्लीनिंग करने के बाद में उसके बाद मैं गई हूँ नहाने और मैंने किया है शैम्पू, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी का मैंने काम किया था। सैटरडे मैंने ये डीप क्लीनिंग का काम किया नहीं था, 15 दिन में कर रही हूँ, और जो बेडशीट है वो भी इतनी गंदी होती नहीं है, तो आज ही मैंने किया है। और कल ही पता चला है कि मेरी मामा की बेटी हैं, काफ़ी बड़ी हैं मुझसे उम्र में, बहुत बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो उनको भी देखने जाना है। यहीं कोलकाता में ही रहती हैं, यहाँ से कुछ 8-10 किलोमीटर दूर हैं, तो मैं और मम्मी जाएंगे। सो ये चलो साफ सफाई तो हो गई, बेडशीट मैंने चेंज अभी की नहीं है, हाउस हेल्पर आएगी तब उनके साथ में मैं करा लूंगी। आंचल ने अपने रूम का कर लिया है, और आंचल जिस रूम में सो रही थी अभी वो उठ गई है, तो उस रूम की क्लीनिंग जो डीप क्लीनिंग है वो पूरी वो कर रही है। तो यहाँ का तो पूरा ऑल टोटल डन है, वो मैंने कर लिया, बस वो आएंगी बेडशीट चेंज कराऊंगी, और पूजा करने जा रही हूँ। पूजा करके सबसे पहले फटाफट खाना बनाऊंगी दोनों टाइम के लिए, मतलब सब्जी एक बढ़ा के बनाऊंगी शाम के लिए, जैसे मैं बनाती हूँ शाम को रोटियां बना लूंगी। जा रही हूँ, और वो जो मैंने मंगाया आपको मैं क्या बताऊं, 500 रुपए का है वो, 499 का। अब ऑनलाइन देख के एड इतना अच्छा लगा कि चलो हमारी कुछ हेल्प हो जाएगी, कि बार बार टूल पे सीढ़ी पे चढ़ के पंखा पोंछना, लाइट पोंछना, एसी पोंछना, तो बहुत आराम हो जाएगा। किसी दिन का नहीं है, एकदम बेकार बकवास है, 500 रुपये एकदम पानी में चले गए। वो क्या है पता है, वो धूल झाड़ू होता है ना जिससे जाला वगैरह साफ करते हैं लंबा वाला, वो ही है, बस उसमें स्टील का रॉड है, तो उसका मैं क्या करूंगी, अचार डालूंगी, किसी काम का नहीं है वो, बेकार। मेरा मूड इतना ऑफ हो गया है कि मैंने सब चढ़ चढ़ के सब क्लीनिंग की है, और आंचल को, मेरी मम्मी को ये धूल मिट्टी से और पॉल्यूशन से मतलब इतना इन लोगों को प्रॉब्लम है कि सारा दिन रात फिर ये लोग छींकते ही रहते हैं, और फिर नाक से पानी जाने लगता है, ऐसा प्रॉब्लम इन लोगों को। इसलिए मैं कोई धूल वूल का काम ज़्यादा उसको बोलती नहीं हूँ, बट उसने खुद ही बोला कि आपने क्यों कर लिया इतनी जल्दी, मैं उठती तो सग में करा लेती, अब वो वाला रूम वो कर रही है। जा रही हूँ पूजा करने, फिर खाना बनाना है। और यहाँ करने लगी थी मैं पूजा, तो मैं जब पूजा करने के लिए आई हूँ, अब गर्मी तो इतनी ज़्यादा लग रही थी सुबह से ही, फिर मैंने आंचल को बोला है कि तू एसी ऑन कर दे, और इसीलिए फिर मैंने स्लाइडिंग को भी बंद कर दिया था। और ये आराम से एसी चलने के बाद में सबसे ज़्यादा खुश मेरा एस्ट्रो ही रहता है। और बस पूजा करने के बाद में मैंने नाश्ता किया है, थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया है, उसके बाद मैंने बना लिया था खाना। तो खाने में बनाया था भिंडी पराठा और खीरे का रायता, बस मैंने यही बनाया था शाम के लिए भी, वही भिंडी हो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी सुबह से काम करके। फिर मैं बाहर भी गई दीदी को देखने के लिए, वहाँ से भी पूरा बाजार हाट करके लेकर के आई, तो फिर इतनी एनर्जी रहती नहीं है। बस फिर मैं यहाँ पर मैंने खोली चादर वगैरह सारा बिछाया है, और फिर उसके बाद में चिंकी का वीडियो कॉल आ गया था। वैसे तो नॉर्मल कॉल पे बात रोज़ ही होती है, वीडियो कॉल पे भी 2-2-3-3 दिन में हम बात कर लेते हैं, तो इतना तो मन भरता है नहीं वीडियो कॉल पे। और आप में से बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये बहुत बार मुझसे बोला है कि चिंकी को आप दिखाया कीजिए, और हैदराबाद में है तो क्या हुआ, उससे हमारी बात करवाइए, और बहुत मिस करते हैं। तो कुछ कमेंट्स हैं जो उसके लिए काफ़ी आते हैं, सो मैं अटैच कर दूंगी। और चिंकी ने आप लोगों के लिए एक मैसेज भेजा है, और वो बहुत ही जल्द कोलकाता वापस आएगा। हाय गाइस,
मम्मी बता रहे थे यू गाइज वर मिसिंग मी, सो जस्ट अ स्मॉल क्लिप. अभी फ़िलहाल मैं हैदराबाद में हूँ एंड जल्दी उठ गया था सुबह, तो हैव कुक्ड समथिंग जो बचपन से मम्मी हम लोग को बना के खिला रही है, लाइक जब बचपन से, एंड दैट इज़ फ्रेंच टोस्ट. आपको पिक्चर दिखेगी बट देन दिस इज़ लाइक दिस, आई मीन यू नो इट्स लाइक अंडा से बनता है विथ ब्रेड एंड एवरीथिंग. मम्मी आपको, अगर आप लोग को देख के अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, अगर आप लोग को देख के अच्छा लग रहा होगा मम्मी इसके लिए रेसिपी भी डाल देंगी. पिक्चर मैंने प्लेटिंग बहुत अच्छी नहीं की, आई एम नॉट प्रोफेशनल लाइक मम्मी, बट देन अगेन थोड़े बहुत जो भी किया है दैट विल बी पोस्टेड इन द वीडियो. अगेन आई विल बी मीटिंग यू गाइज सून वंस आई एम कमिंग बैक टू कोलकाता टू मीट माई पेरेंट्स. ओके टिल द टाइम बाय बाय. चलो खाना खा लो, चलो चीची खाना दे रही है, चलो मैं आ रही हूँ. हाँ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 आ खाना खाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जा, देखता ही रहेगा बैठ के. चल दीदी से मिल के हम लोग निकले हैं और बाहर ही हमने देखा है कि बड़ी बढ़िया सी ठेल लगी हुई है सब्जी की, तो कुछ मैंने सब्जियां खरीदी हैं और फिर मेन मार्केट में आके यहाँ से मैंने थोड़े बहुत फ्रूट्स खरीदे हैं और उसके बाद में फिर पिलो कवर जो वाइट वाले मैंने लिए थे तो वो मम्मी के यहाँ चले गए थे. मम्मी को याद नहीं था कि ये रचना के हैं, तो मम्मी ने अपने जो पिलो हैं उनके साइज़ के कटवा के सिलवा लिए, तो फिर वो दोबारा से उन्होंने मुझे दिलवाए हैं. सो इस वाली शॉप से हम लेते हैं, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ का और लोकल मार्केट से ही है ये. तो यहाँ से लेने के बाद में फिर बर्तन की दुकान में गए हैं, थोड़ा डब्बा वब्बा ये सब लिया है, किचन में थोड़े कम पड़ गए थे तो बस वो 3 का सेट मैंने लिया था और भी काफ़ी कुछ मैंने सामान खरीदा बाजार से. एंड देन उसके बाद में फिर टोटो बुक करके और हम निकले हैं घर के लिए. और जब निकल रहे थे तब माता रानी की आरती हो रही थी शाम के टाइम पे, तो जितनी क्लिप्स मैं आपके लिए ले पाई हूँ उतनी मैंने ली है. बाजार में गर्मी ऐसी ऐसी, चार बार चार टोटो ने कैंसिल किया है, मेरे को बोल देते ये पांचवा है और एक चीज नई बना ली है उन लोगों ने, टोटो वालों ने, ये उबर वालों ने. अगर 180 रुपए का दिखा रहे हैं कि फेयर है तो बोलते हैं कि 180 में नहीं जाएगा, प्लीज बहुत दूर है, 40-50 रुपए बढ़ा दीजिएगा. ऐसे देखिए खत्म हो गया था, ये ले रही हूँ, इसमें 100 पीस है. सामान में बहुत ले आई हूँ मैं, सोच के कुछ गई थी, डब्बे कम पड़ रहे थे फिर तेल ले आई. हाँ मेरे एस्ट्रो के लिए एक चीज लाई हूँ मैं, मेरे एस्ट्रो का जो तकिया है उसके लिए ये खोली लाई हूँ, इसमें भी डॉगी है. एस्ट्रो तेरी खोली? हाँ खाली डॉगी डॉगी है. इसके लिए लेती चलो, अब इसको बिछा देंगे ना तकिया पे तो सोएगा आराम से. और जब भी बाजार जाना होता है तो सोच लेती हूँ कि भाई ज्यादा कुछ भी नहीं लेना है, बस थोड़ी बहुत साग सब्जी तो 100% लेनी ही होती है मुझे, फ्रूट्स ले लेती हूँ थोड़े बहुत. और फिर से वही सामान दिखने लगता है कि हाँ ये भी काम में आ जाएगा किचन में, वो भी काम में आ जाएगा, तो ये छोटे वाले स्क्यूअर लिए हैं और बड़े वाले, तो बड़ा वाला 90 रुपये का है और छोटा वाला 30 रुपये का. बस उसके बाद में सामान मैंने डाइनिंग टेबल पर निकाल करके रखा है, पर्स रखा है और आराम से मुँह हाथ धो के यहाँ बैठी हूँ. आँचल ने पहले से ही मखाने
करके रखे हुए थे रोस्ट, और ये ग्रीन टी है, तो बस इसको आराम से बैठ के मैंने पिया है। सो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।